यहाँ पर जी ड्रिप लगी हुई है, मैडम साहब इधर आराम कर रही हैं और ये कुछ ईसीजी वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ करवाया, अल्ट्रासाउंड ईसीजी करवानी है। क्या कह रहे हैं कि जख्म बना हुआ? जैसे ना मेरे इधर ना किसी ने ना कोई चीज बांध के ना रख दी है। मैंने नहीं रखी। अच्छा अल्लाह खैर करेगा, बस ये छोटी सी ड्रिप पर ये खत्म हो जाएगी। आपका क्या कह रहे हैं? दवाइयाँ ने लिख दी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ, तो कह रहा है आपका पूरा जिप यानी कि ना पूरा चेहरा आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो आप यानी कि टेंशन भी लगाएं और दवाइयाँ भी खाएं, फिर उसके बाद 15 दिन बाद फिर आप लोगों ने आना फिर चेक करवाना। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आपकी जल्द भी ठीक हो जाएगी, शुक्रिया की सेहत भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, दवाई जब लेंगे ना। और मुझे तो लग रहा है जैसे जैसे सारे घर में बीमार होने ना, हॉस्पिटल हमें घर में ही बनाना पड़ेगा, जोड़ी पोजीशन नज़र आ रही है। 3 दिन एक दिन में या अलग अलग दिन में? 3 दिन में 3 लगेगी। 2500 का टिका ही बताया, 3500 का टिका। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक आराम देगा। मैं बिजी बहुत ज़्यादा था क्योंकि कल जो है ना वो बच्चे की शादी का प्रोग्राम है, ये मैं जो है ना देगों में डालने के लिए खोया बोलते हैं, ये देगों में डालते हैं, खोया लेकर आया हूँ। मैंने कहा फ्रिज में रख देता हूँ, रसगुल्ले जो हैं वो मैंने अभी मोटरसाइकिल पर टांगे में, ये ना कोई बारी बारी दो दो करके खा दे, वरना यहाँ से कोई चीज़ नहीं जाती। अलबत्ता और हॉस्पिटलों का कोई भरोसा नहीं है, बाहर खड़ी है ये ना मोटरसाइकिल भी कोई ले जाए, रसगुल्ले भी ले जाएगी। चलें ठीक है, मैं जाता हूँ नमाज की तैयारी करता हूँ, टाइम मेरा बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। फिर यह है कि फिर ना दूर दूर जाना पड़ता है, 2:30 बजे भी होती है जमात और जगह मुख्तलिफ यानी कि ना टाइम पे होती है जुमतुल मुबारक की नमाज, लेकिन यह है कि हम जिधर जाते हैं ना वहाँ पे 1:30 बजे का टाइम है, टाइम रह गया थोड़ा सा, मैं जाता हूँ, आप जो है ना ड्रिप जब ख़त्म हो फिर शुक्रिया को जो है ना ले आना, साथ ही तो है, इजाज़त है मुर्शिद में जाऊँ? लेकिन वो ना डॉक्टर साहिबा ने बोला है, वो कह रही है कि चावल नहीं खाने, चावल मना कर दिए। आप बेशक सुगरन को जाके भेज दो, मुझे अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही ना। और चावल साथ में, हाँ जी साथ में चावल भी मना है, हाँ जी चावल भी मना है, आप जाके पूछें। अच्छा इन जी कहीं ना जब ड्रिप ख़त्म हो ना आन लगे ना उस टाइम ना डॉक्टर ने साहब को पूछ लें, बस गल मुक गई। ठीक है पूछ लेंगे। ये सामान जो है नज़ारा आपके हवाले, ये आपने जो है ना फ्रिज में रखनी है दोनों चीज़ें। हाँ जी मैं रख लूँगी। ये खोया है और ये रसगुल्ले हैं, ये जम जाएंगे ना फ्रिज में? हाँ जी। ये नहीं, फ्रिज तो चल ही नहीं रही है, बंद की भी है। बस वो रात को जब चलाओगे ना ये हो जाएगा। हाँ ये दो हैं, दो देगों का क्योंकि वो जर्दे का है ना इंतजाम, दो देगों का उधर वो जो बाबा जी, हाँ जी बाबा जी की बच्ची की जो शादी है। हाँ तो ये 3 किलो खोया लेकर आया हूँ और ये रसगुल्ले डालने के लिए दो देगों में, ये आप जो ना रख दें, सुबह सुबह जाकर देकर आएंगे। हाँ जी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे ये देखें जी सुगरा के बेटे के काम, जो ये रंग यहाँ वाला बच्चा हुआ पड़ा था बाल्टी में, अच्छी तरह से अपनी साइकिल को जो है ना दुल्हन बना दिया इसने, पाली पाली हो गया है। किसकी है ये? मुनीब भैया की है। माशाल्लाह क्या खा रही हो? भला खा रही है, पर हालत देख अपनी, खेल खेल के साफ सुथरा इतना करती है, शुक्रिया, लेकिन मजाल है जो अपने आप को साफ रखते हो। यहाँ पे खेलते हैं, इधर खेलते हैं, इधर ये देखें। इनाम क्या कर रहे हो? हैं मैं भी घर आ चुका हूँ जी, इधर मैडम साहब और कौसर, ये सुगरा भी घर आ चुकी है। ये क्या इतनी सारी किताबों को तू डॉक्टर ने जिस तरह बताया ना, तो कह रहे हैं यानी कि ना आपने यानी कि दवाइयाँ ये आपने रोज़ खानी है और नागा नहीं करना, आपका ना दिल का ज़्यादा मसला हो रहा है, तो आपने यानी कि दवाइयाँ खानी है, फिर उसके बाद आपने ना भी 8 दिन बाद आने पे टीका लगवाना है अपने, आपके गारंटी दे रहे हैं कि ठीक हो जाएगी? अच्छी तरह चेक भी किया डॉक्टर ने, गर्म चीज़ें तो बंद कर दी होंगी, कुछ भी मुझे नहीं बना, गर्म भाभी जाने को मना। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चावल बीच में ऐड है ना, मैंने पूछा था वो कैसे भी चावल नहीं खाने, मुझे नहीं पता वो प्यारा। मैंने जाके स्पेशल जाके जो है ना डॉक्टर ने साहब से पूछा कि चावल बंद है, उसने कहा जी भाई बंद है, मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने तो नहीं किया चेक, मैंने लेकिन वो बड़ी डॉक्टर ने जो सामने बैठी है ना उससे पूछा था, ये उन्होंने साबुन
जल्दी है। आपके जल्द खत्म नहीं हो रही, ये मसला बना रहा है, ठीक है इसका कुछ वो किसका मतलब मैदे का मसला बन गया, इसका खारिश नहीं जा रही बेचारी की। बस मैं तो यही अस्पताल घर में खिलवा लेते हैं। जी जनाब ऐनक वाले भाई, ऐसे हो अल्लाह के शुक्र आप ठीक हो। वाह जी वाह, क्या कहने दोनों बहन भाई एक जैसे निकले, माशाल्लाह क्या हाल है, ठीक है तो आपकी तबीयत ठीक है? जी जी ठीक है। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। किधर जा रहे हो अहमद अली? शादी थी इधर, फंक्शन था वो पूछा क्या। अच्छा चलो फिर जल्दी ले आना मोटरसाइकिल, मुझे ज़रूरत है, मैंने फातिमा आप ही के घर जाना है। आधे घंटे तक जा रही है। ठीक है मेरे हिस्से का भी खा लियो। हाँ जी मैंने ये शायद के रेट लेते आना मेरे हिस्से का। हाँ अगर मिल जाए तो छापर में लेते आना, फिर तो सुभान अल्लाह सब मिल के खा लेंगे। हाँ जी कोई बात नहीं, इंसान है भूल भी जाते। फातिमा आप ही के घर आए हूँ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो, कैसे हो भाई जी? ठीक, ठीक है, मेहनत मुशक्कत हो रही है माशाल्लाह। आपने अपने बाबा को बोलो मामू के सामने ना हंसा ना करे। क्यों? मुझे शर्म आती है कहते, मैं नहीं कहता। कोई बात, दांत लगवा दो फिर। मैं तो कई बार कह, मकबूल भाई ने ढूंढे भी थे, वो पता नहीं गुम हो गए। वो वाले नहीं लगते ना, जो लगने हैं इधर वो वाले ढूंढो ना। अच्छा यहाँ पे एरा जी माशाल्लाह से निकाल लिया है बरामदे के लिए, ये इतना नीचे गड़ा लगा दिया, ये तो सारी ईंटे यहीं पे लग जाएंगे। ये किसने इतना नीचे कर दिया है? बस वो मिस्त्री ने कहा था, फिर वो तो आपने कही तो सारी ईंट लगेगी, थोड़ा सा फिर भरा करेंगे ना ताकि। ये तो एक दिन में ईंट सारी इसके अंदर लग जाएगी, ये तो आपका नुकसान हो जाएगा। हाँ जी वही तो मैं कह रही वो फिर आप, वो तो आप आए, मुझे क्या पता, मैंने तो कभी ये काम नहीं करवाया, मुझे तो पहली दफा मैं देख रही हूँ। हाँ ये तो बहुत ज्यादा नीचे। हाँ जी ये तो मैं वो कह रही, ये तो नुकसान होगा, जितनी भी ईंट है ना सारी यहीं पे लगेगी, इसके नीचे ना थोड़ा सा वो रेत डाल के ना फिर रोड़ी वगैरह इसको दुर्मण से कूटो ऊपर रोड़ी, फिर वो आ जाए ना कल को, कल का दिन हम ना लगवाए कोई बात नहीं। यह है कि पहले हमने अपना काम पूरा मुकम्मल करना है, काम मुकम्मल करके फिर उसको मिस्त्री को बोलेंगे अब आपका काम शुरू हो गया है, अब आप आ जाओ। इस तरह तो वो दिहाड़ी पड़ जाएगी, वो तो बैठा रहेगा, उसको तो कोई काम नहीं है ना। ये तो सही बात है, पहले हम, मैंने कहा इधर से हमारा ये मुकम्मल तैयार हो जाए ना काम, बस ताकि ये बिस्मिल्लाह, क्योंकि मिस्त्री का तो काम है ना ईंट लगाना, वो तो ये काम नहीं करता ना, ये तो काम करेंगे मजदूर करेंगे, तो इसलिए चलो कल आएंगे मेरे पास, वो किचन की कुछ सेटिंग करनी है, उसके बाद जाना फिर उससे जाना वहीं पे मुलाकात भी होगी, उससे बातचीत भी होगी आपके। ना मिस्त्री का लाए थे तो उन्होंने ना यहाँ पे वो मैश की है, उन्होंने उन्होंने कहा आप यहाँ पे खुदाई करें, तो हम हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह आएंगे, तो फिर आपने कहा मेरा थोड़ा सा काम रह गया मैं वो करवाऊंगा, फिर जब मैं मेरे से फारिक हो जाएंगे फिर आपके। मैंने कहा ओके हो गया जी। इस साइड पे समिया बेटी जो है ना नाराज हुई बैठी, आटा गूंद रही है। नाराज नहीं हुई मैं ना, मैंने कहा टाइम से जो है ना आटा गूंद लेती हूँ और मैं शायद भी टाइम से रोटी बना लेती। हाँ टाइम तो वैसे हो गया खाने पकाने का। चाय पियोगे ना? मैं चाय भी बना लेती हूँ। चाय पिलाओगी तो पी लूंगा, वरना गुंजाइश तो नहीं है। नहीं क्या हाँ चाय पी के जाना, चाय पी के जाना तो बाहर। अच्छा और खुशखबरी नहीं देंगे अब? एक और कुछ और भी खुशखबरी, और कैसी खुशखबरी है बताओ? आप बताओ कौन सी है गाय की खुशखबरी? नहीं दोगे आप मुझे? मुझे क्या पता, वो तो आपने बताना है मुझे। नई खुशी आने वाली है गाय की। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ढेर सारी मुबारक थी ये सही, नया मेहमान आएंगे घर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर फरमाए, अल्लाह पाक खैर फरमाए, अल्लाह करे गईया नाल वेरा भरिया होवे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे चलो आटा आप गूंद लो, चाय कौन बनाएगी? मैं भी आप बना रही हूँ, बना लूंगी फिर सालन भी बना लूंगी। चलो ठीक है फिर महवेश बेटी, वो जो है ना हमने बरामदे का नाप करना है, क्योंकि जितना बरामदा मेरा है ना घर का, इतना ही नाप जो है ना आपके बरामदे का होना चाहिए, तो ये है कि चलते हैं आपकी चरपाई का जो है ना वो साइज करते हैं कितना बनता है, ठीक है? सही बात है, अंदाजा हो जाता है ना चरपाई कितने फुट की है। वो कमे आंदे मामू दे, कमे आंदे आराम कर। हाँ जी हाँ जी मामू के काम आता है ऊपर वाला डब्बा डे चाहे कुछ हो, देखो एक गिनना सही भैया सही एक गिन ताबेदार। वाह जी वाह, इसके लिए रो रहा था कि गत्ता मिल जाए। चलो जी चलते हैं जी, चरपाइयों का नाप लेते हैं। क्या हो गया? कुछ है हंस रही है, मैं मोटा हो गया इसलिए हंस रही है। हाँ नहीं नहीं मोटे की बात नहीं है,
मुझे पता है सारा, मैं मोटा हो गया इसलिए सिर्फ मोटा ही, एक दिन दो दिन में मोटा ही हो गया। और क्या, अच्छा मोटापे का कोई पता चलता है? अच्छा फिर आप चावल कम खा करो ना, वो देखो आपका पेट बाहर आ रहा है। मैं तब भी चावल खा के, हम जुमे की नमाज पढ़ के फिर घर जो है ना, कौशल को भूख लग जाती है, उसने रोटी मंगाई है वो खाई है, फिर फिजा बेटी ने थोड़े से चावल बनाए थे वो भी खा लिए, मैंने कहा चलो आपे की तरफ निकलता हूँ हजम हो जाएगा। फिर खान जो है ना शाम के खाने का टाइम भी हो जाएगा ना फिर। चलो जी चलो जी, मुझे पता सारा, मुझे सारा पता, टेंशन ना ले। फीते से जी नाप करने लगे हैं चरपाई का, ये नुकर पे रख दें इस जगह पे, इस जगह पर ऐसे रखें। 6 फुट की, 6 फुट की नहीं, ऐसे नहीं है ना, इधर देखो ये है 4 फुट, 5 फुट किधर है, 6 फुट और 4 इंच, 6 फुट 4 इंच है। हटो तो से बेटा देखने तो दो, किधर है ये 6 फुट है जी, ये 6 फुट लिखा हुआ है और 4 इंच, काफी बड़ी चरपाई है, फुल साइज वाली चरपाई है ये तो। हाँ जी बाबा जी, ऐसे ही होती हैं ये बड़ी चरपाई है, 6 फुट 4। आप ही अपना खाना वगैरह बना रहे हैं, साथ वाली जो ये वाली बाजी हैं आप ही के साथ वाली दीवार, इनको इधर ही बुलाया है क्योंकि घर पर मेहमान आए हुए थे, और जाहिर सी बात है खुशी गमी जो होती है ना, मेहमान आते जाते रहते हैं, जिस दिन मैंने पहले वीडियो बनाई थी उस दिन भी मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी बहन है यूके में रहती हैं, उन्होंने कुछ अमाउंट इनके जो हस्बैंड हैं शोहर हैं उनके लिए भेजी है, वो अमानत जी जी तेरी मैं पता ले मां एडी दूर नाले आके मैं नाराज हो रही है, एडी दूर क्यों बैठी है आके, मैं कमासी जितने नसीब लिखे हो ना उठे आन बहना हुंदा है गरीबन, मैं कहना नहीं सी मिले ही सानू झोंपड़ी मिली जितने मैं कब्र लिखी थी मैं उठे सानू आन मिली है। अल्लाह पाक खैर करेगा जी, मैं काम की बात कर रहा था कि हमारी बहुत ही प्यारी बहन है उम्मे लुकमान, उनके बेटे हैं, उनकी तरफ से जो है ना कुछ अमाउंट इनके हस्बैंड के लिए शोहर के लिए मेरे पास पहुंची है, वो इनके हवाले करते हैं। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये मेरी जो बात को जो है ना आपने जो है ना मजाक में नहीं लेनी बल्कि सीरियस बात है, ये बिल्कुल इनके शोहर की ज़िंदगी मौत का सवाल है, उनके गुर्दों का मसला है। तो अब वो गए हुए हैं लाहौर, इसने बेचारे ने जो है ना जहाँ पर ये काम करती है घर पर, उनसे जो है ना कुछ रकम जो है ना बहुत बड़ी रकम जो है ना ले के उसको भेजा है कि भाई आप जाएँ और जो है ना अपना जो है ना टेस्ट वगैरह जो भी सीटी स्कैन वगैरह करवाना है करवाएं, अल्लाह पाक उसको सेहत दे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं बेचारे की, बड़ी परेशान है, घरों में काम वगैरह करती है, अमानत जो है इनको जो है ना मैं हवाले करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ थोड़ी सी रकम है, ये आप रखें और अपने हस्बैंड की दवाई में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक और मदद करेगा, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपकी अमानत आपको दे जाऊँगा। उम्मे लुकमान आप ही हैं, यानी कि लुकमान की मम्मा हैं, उनके लिए आपने दुआ करनी है, उनका बेटा लुकमान है उनके लिए भी दुआ करनी है, उनकी पूरी फैमिली के लिए। आमीन हाँ जी, लाहौर कोई लइए से हमारे उधर लाहौर जाना जो है ना कोई आसान काम नहीं है, वहाँ भी जाना बहुत मुश्किल है, बहुत किराया आना जाना, सफर है पूरा दिन लग जाता है। हाँ जी, 11 बजे तक गए अल्लाह पाक खैर करे। चले ठीक है, आपके मेहमान आए हुए हैं, आप जाएं खैर से, अपने मेहमानों को देखें आप। बरामदे की खटाई का जी बाद में कुछ करेंगे, अल्लाह पाक मेरी बहन की मदद करे, अल्लाह पाक जो है ना इसका अच्छी तरह से जैसे मेरा सेम बरामदा बने ना जो है ना आप ही का भी ऐसे ही बन जाए। कह रही है सीढ़ियाँ जो है ना वो मैं नहीं करवाती, मैंने कहा भी सीढ़ियाँ नहीं करवाएगी गर्मियों में कहाँ जाएगी, गर्मियों में ये देखो ना यहाँ से इधर जब आती है ना इसके बाद जो है ना आपका सहन की क्या पोजीशन रह जाती है, सहन तो बचता नहीं है आपका, क्योंकि देख सकते हैं आप ना मैंने तार यहाँ पे बांधी है कपड़ों की, जब ये खुलेगी फिर कपड़े भी नहीं सूखेंगे। मैंने कहा मैं कुछ बेटे कहते नहीं मैंने सीढ़ियाँ रखवानी है, मैंने कहा सीढ़ियाँ लाजमी है। देखो एक चीज जो बन रही है ना आज बना लोगे बाद में नहीं बनेगी, ये मैं बता देता हूँ, तो ये है कि आप जो है ना तसल्ली से आराम से अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक ने जहाँ पर इतना ये इंतजाम कर दिया आगे भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा इंशाल्लाह ताला, परेशान नहीं होना, अल्लाह पाक बड़ा गफूर और रहमान है। आप ही जो है ना यहाँ मजेदार जो है ना मेरे ये चिकन
बुनाई कर रही है। मैं दे दूंगी आप तो बहुत जल्दी जल्दी कह, मैंने जाना जाना है, आपको जल्दी हो रही है। मैंने कहा चलो एक दो गोटे निकाल दूं दिखा के। नहीं मैं तो सारी खाऊंगा। तो फिर खा लेना, ये कोई बात है, उतार के रख दूंगी। नहीं मुझे वैसे भूख नहीं है, मैंने वैसे आज दोपहर की रोटी खा ली है, पर मैं अब जा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ क्योंकि अंधेरा हो गया, मैंने जाना रुकोई आप ही के पास काम है मुझे। उसकी तबीयत सेहत लेनी है, उसकी सेहत का पूछना है, तो देखता हूँ क्या मामला है, इसलिए जो है ना मैं जा रहा हूँ, अल्लाह पाक खैर करेगा। कल जो है ना मिस्त्री को लेके आऊंगा, उसको कहूंगा क्योंकि बंदे वाले काम कर, इतना जो नीचे गड़ा लगा दिया ये सारी ईंटें तो लग जाएंगे यहाँ पे, तो क्या फायदा आया। फिर अपने हिसाब से जो है ना उसको बोलता हूँ कि भाई इसकी सेटिंग कर, ताकि जो है ना अच्छा काम हो जाए। इतना नीचे ये तो कोई नीचे से ऊपर वार लेकर आए तो कोई 10 वार लग जाएंगे नीचे से। वही तो मैं कह रही, मैंने कहा ये जितनी रोड़ी भी डाल दें, ये तो ईंट भी सारी आ जाए, तो फिर ये तो फिर काम तो नहीं होगा ना, फिर ये तो खर्चा बढ़ाने वाली बात है। चलो उतना भी ये देखेगा ना, मिस्त्री बताएगा भी इतना ये रखना है, तो चलो अल्लाह खैर करेगा, सुबह लेके आऊंगा मिस्त्री को। बस डाल दो पानी, हो नहीं देर बनाई। हाँ जी अभी नहीं है। हाँ जी अभी नहीं है। अभी हो नहीं है बनाई। अभी पानी है ना इसके अंदर, ये देखे पानी कुछ होएगा ना फिर। अच्छा अच्छा, स्मेल खत्म करनी होती है। चलो माशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता मैं भी सीख ही जाऊंगा एक ना एक दिन। हाँ जी इंशाल्लाह। ये हालात हैं जी मेरे ख्याल से जी, है ना। आप ये वाली तो घर पे ही है, वो वाली आपके घर पे नहीं है। चुप है, चुप चुप चुप, इसको देखा भूख लग रही है बेचारे को, रो रहा है। खाना बना रहे हैं, ऐसे ना क्या करो, बेचारा रो रहा है, भूख लगी हुई है। आपके घर भी खाना खाया था ना, चावल भी खाए थे। असल में ना उसको तड़पा रही है, कह रही जल्दी से मिल जाए, खाना मिल जाए। कद्दू बन रहे हैं, टेंशन ना ले, मुझे याद आ गया कद्दू भाई, रोटी खा के जाएगा ना। नहीं बस मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि वो तो है नहीं, मैं उसको मिलने के लिए आया था। मैंने कहा तबीयत पूछूं जाके, तबीयत है कैसी। ठीक है तबीयत, बस तबीयत आपको पता, कभी सही होते कभी नहीं भी सही होते, जब कभी तोला कभी मासा, इस तरह ही है ना। अब वो मुझे लगा रहा वो फूफो चाचा यूप की तरफ गई। अच्छा चलो अल्लाह पाक खैर करेगा। आप आटा गूंदने लगे। हाँ जी मैं आटा गूंद रही हूं। और भाई मकबूल किधर गया है। वो अभी अभी गए हैं, कह रहा मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अच्छा और गाय को जी दिखाते हैं जी माशाल्लाह। हाँ जी ये बोल रही है, वैसे बोल रही है, ये वो आपके भाई का हरवा कर रही है। भाई मकबूल का हरवा कर रही, सही बता, मैं तो कह रहा हूँ वैसे बोल रही है। नहीं वो कह रही है मुझे और चार हाल के घास वगैरह भी डाल रहा है, तुम वगैरह भी डाली हुई है, बस कहती मुझे ना अच्छी खुराक दो, जैसे पहले देते रहे ना घर में से। जी जी इसको भी अच्छी खुराक देना, ये भी खुराक ही तो मांग रहे बेचारा। ये कहते बोटी दो, बोटी ओ ये अभी देते हैं, पक जाए फिर देते हैं। घर जी मैं पहुँच गया हूँ, ज़ारा जो है आलू बॉइल किए हैं। हाँ जी आलू और अंडे बना रही हूँ, अंडे उबाल करके मैंने इसमें डाल दिए। अंडे उबाल करके अच्छी तरह से उनको छील के रख लिया था, और अब जो है ना आलुओं को उबाल करके छील कर जो है ना हांडी मेरे ख्याल से फाइनल होने लगी है। रोटी आ गई है, लगती है तो आटा भी पड़ा है, साइकिल खड़ी तो है। चलो आ गई है मोटरसाइकिल, अब भेज देते हैं। मोटरसाइकिल आ गई है, अब मैं जो है ना लेकर आया हूँ, भेज देते हैं। सामने वाले ने ना चिंदा को बुलवाया, वो ना उनकी आंटी आई है, वो कहती है हमें ना चिंदा दिखाए, रेखा जिसने देखा है ना हमारे घर आ रहे थे, वो हल्दी का मौसी वो ना मजदूर है, मैं चले ले गई। हाँ चलो अच्छा, वो चंदा ऊपर से लेकर गया है। हाँ जी पिंजरा लेके गए, वो खुद ही पिंजरा ले गए, मैं तो पिंजरे से नष्ट कराना कर दी जाए, तो वो लेके गए मैं चंदा को। अच्छा शुक्रिया की कैसी है तबीयत। शुक्रिया भाजी की ना, वो कह रही है हाथ में तो मेरे दर्द दे गया, ये सब भी मुझे दर्द कर रहा है। मैं कह शुक्रिया भाजी आप ना छोड़वा कर ले, बाकी सारा मैंने कर लिया। शुक्रिया भाजी कहती है ज़रा मेरे ना हाथ मेरा दर्द हो गया, तो पिज्जा को दिया ये सब, फिर भी वो रो ही जा रहा है। वो ड्रिप लगी है ना हाथ में, इसलिए जो है ना वो, और जाहिर सी बात है बच्चे ने तो तंग करना ही है, टाइम जो हो गया शाम का। हाँ, शाम का टाइम बच्चा फिर किसी के पास जाता भी नहीं है ना। ये देखे तू क्यों रो रही है, ये इनकी जो है ना प्यारी के इसकी बचती रहती है आपस में, बस ये लड़ते रहते हैं, कोई ना कोई इनका बहाना होता है। फिलहाल जी मेरे प्यारे बहन भाई लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, शादोबाद रखे। वीडियो में देर सवेर हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में मसला बना हुआ है, बल्कि एक कमेंट आया था वो कह रहे थे कि आपके पास ही मसला बना हुआ है,
नहीं मेरे प्यारे भाई, आप शायद मेरे ख्याल से बाहर से कमेंट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में से आपका कमेंट आया है तो फिर तो आपको ज़रूर पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में नेट का इशू बना हुआ है, क्योंकि हमारे मोबाइल नेट हैं, हमारे पास वाईफाई नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि वाईफाई भी जो है ना वो भी नहीं चल रहे, बहुत रो रो के चल रहे हैं। तो देर सवेर से वीडियो, मिसाल है अब शाम का टाइम है, हमने कंप्लीट की है तो हमारी सुबह को जाके लग रही है, ये मसले मसाइल हमारे चल रहे हैं। दूसरा कमेंट आया था कि आप जो है ना नमाज का क्यों जिक्र करते हैं, जब नहीं दिखाते थे, नहीं बताते थे, जब तंज करते थे कि आपकी फैमिली कोई भी नमाज नहीं पढ़ती। अगर अब मैं मिसाल तबलीग के तौर पर या वैसे ही अपनी मोहब्बत से कह देता हूँ तो आप कहते हैं भाई आप क्यों बात करते हैं। तो ये तो देखें ना, जो लेके जाते हैं तबलीग पे जाते हैं, नमाज के बारे में जाते हैं, मुसलमान करते हैं, यही तो तबलीग होती है। शायद मेरे देखें ना, इस तरह मुझे भी याद रहता है कि मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। इस तरह ये है कि अगर मेरे कहने से 2000 बंदे में से एक ने भी अगर अमल कर लिया, उस टाइम की नमाज़ पढ़ ली, उसका भी जो है ना बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा भी सवाब लिखा जाएगा। तो कम से कम नमाज के बारे में तो कमेंट आप ना करें। चलो और मेरी बुराइयां कर दें जितनी दिल खोल के करें, लेकिन नमाज के बारे में इतना करें। मैं तो आपको ये नसीहत करता हूँ ना, जो पढ़ते हैं तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। चलो भाई, जो नहीं पढ़ते शायद एक बंदा भी मेरी ये बात सुन के जो है ना अमल कर ले तो जो है ना मेरा सवाब लिखा जाए, बस ये मकसद होता है। फिलहाल के लेता हूँ आपसे इजाज़त, अपनी दुआ में रखे याद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।